रस्सी जल गई, नहीं गया बल, अखिलेश नहीं समझ रहे, आता नहीं कल, कह रहे 2022 में आएंगे तो गंगा जल से धुलवाएंगे, कब अपने घमंड के आसमान से उतर भोगी और योगी का अंतर समझ पाएंगे, इसमें कैसा बुरा मानना तुम्हारा है परिवार, वे संत त्याग चुके घर बार, समाज को अपनाया है उसके हैं कुछ तरीके, उन्हें अपने जीने का तरीका बनाया है, तुम्हें मखमली गद्दे भाते वे कड़े तख्त पर आसन जमाते, तो 2022 में क्या क्या अपनाओगे, क्या परिवार छोड़ योगी हो जाओगे, कह रहे सरकारी अफसर इतनी अच्छी करते सफाई, उन्हें नहीं दिया दिखाई, भाई यही तो बात है, योगी जाग रहे और आप सोते रहे दिन रात, राजा जब सोते हैं तो प्रजाजन रोते हैं, अन्याय और अपमान के शिकार हो अधीर होते उम्मीद खोते हैं, जागने के मामले में चोर और साधु एक समान, एक करता अंधेरे में चोरी दूसरा करता ध्यान, इसलिए तो सारे चोर डर रहे कि ध्यान में लगे दो योगी जग रहे, अखिलेश कह रहे पहले परिवार को ऑर्डर में लाना है तो पहले अपना डिसऑर्डर हटाना है, जो अभिमान की देन है, आप इतने बड़े हो गए कि माँ बाप से नहीं मिल रहे नैन हैं, इसलिए भैया जमीन पर आओ, अब आप मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए आंख पर पड़ा पर्दा हटाओ, आप भी अपराध कर सकते थे कम, पर नहीं दिखाया हौसला और दम, योगी जी गाय का करते ख्याल, इसलिए लखनऊ से गायें आ रही, मोरों के लिए बस आपकी जुबान ही कष्ट पा रही, आप न करो चिंता, वे प्राणी मात्र के कष्ट का करते विचार, जो उन्हें अपनाए वे उन्हें करते स्वीकार, अब राजनीति में आ रहा बड़ा बदलाव, समाज की सेवा करने वालों का हो रहा उठाव, जो राजनीति को धन वैभव का साधन बनाते उनसे जनता तोड़ रही अपने नाते, राजनेता का परिवार यानी पारिवारिक भ्रष्टाचार, सब मिल करने लगते उल्टे सीधे धंधे, अधिकारी बन जाते सहयोगी और पलने लगते आदमी गंदे, समाज के लिए कुछ देने का हो हौसला तो इस ओर कदम बढ़ाओ, परिवार को अलग रख काम करने की ओर जाओ, परिवार को अलग रख काम करने की ओर जाओ।